नहीं, अब हम हर जगह थोड़ी बता सकते हैं वहां मिलिट्री रडार लगाया गया, तो देश की सुरक्षा का भी मामला ध्यान में रखा जाता है, ऐसा थोड़ी था कुछ बोल दो यहाँ से, तो जहाँ खाली जगह है वहां देश के दुश्मन लोग नहीं खुश होइएगा कि खाली जगह है घुस जाएंगे इधर से, मिलिट्री रडार है वहां पे, और वो तो कुछ वो नहीं करेगा, उदिया देगा आपको यहाँ पे, तो ये रडार का बहुत जरूरी होता है। आप अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग स्पेशल वेलकम टू ईगल लेक्स। आज हम आपके साथ खान सर का वीडियो देख लेंगे, जो लेटेस्ट वीडियो है जिसका टाइटल है वेदर रडार ऑफ एयरक्राफ्ट टर्बुलेंस इन फ्लाइट, देखेंगे आपके साथ मिलकर। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आपने खान सर को अभी तक सपोर्ट एंड सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की इनकी भी नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर आपने ईगल लेक्स को अभी तक नहीं किया तो ईगल लेक्स को भी कर लें सब्सक्राइब। तो वीडियो फिर हम करते हैं स्टार्ट। जय हिंद। देखिए, घने बादलों के बीच जहाज खुद को कैसे बचाता है, बहुत ज्यादा घने बादलों से अगर जहाज जाएगा तो उसमें टर्बुलेंस यानी कंपन झटका पैदा होगा, जिससे कि उसका स्ट्रक्चर फेल्योर भी हो सकता है और यात्रियों को बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस भी हो सकता है। इसे बचने के लिए इसके आगे वाले हिस्से में रडार लगा होता है, वेदर रडार कहते हैं इसे। ये जो अंदर वाला हिस्सा देख रहे हैं ये है आपका वेदर रडार। वेदर रडार जो होता है ये कई डायरेक्शन में घूम सकता है, पायलट इसे कंट्रोल कर सकता है, आगे पीछे ऊपर नीचे घुमा सकता है। अच्छा। ये रेडियो वेव को ट्रांसमिट करता है और जब वो वेव टकरा के आती है तो उसे रिसीव करता है, इसलिए इसे ट्रांस रिसीवर के नाम से भी जाना जाता है। इसे एरोडायनामिकल शेप में ऐसे बंद किया जाता है जिसे हम लोग रेडॉम कहते हैं, ये इसका रेडॉम है, तो ये रेडॉम एरिया होता है। रेडॉम को हम लोग बहुत मजबूत बनाते हैं क्योंकि जहाज के आगे का पहला झटका ये रेडॉम ही बर्दाश्त करता है। इसे कंपोजिट मटेरियल से बनाया जाता है 6-7 लेयर से, ताकि ये मजबूत भी रहे और जब इसे ढका जाए तो इसके अंदर से रेडियो वेव चली जाए और वापस आ भी जाए, लेकिन हवाओं को ये अंदर आने नहीं देता है, वेव को आने जाने देता है यहाँ पे, जिस वजह से ये रेडॉम काफी जरूरी होता है। ये रेडॉम को मजबूत भी बनाना होता है, देखिए इसका थूथुर कूच लिया किसी पक्षी से टकरा के यहाँ पर, तो ये रेडॉम मजबूत भी बनाना होता है, नहीं तो ये झटका लगेगा तो ये पहले यही झटके को ये देखता है, तो ये रेडॉम वेव को आने और जाने देता है। इस अपने आगे वाले वेव से ये रेडॉम से वेव को छोड़ता है, जब ये वेव जाती है बादलों से टकरा के आती है तो ये पता लगाता है कि आगे का मौसम कैसा है। ये लगभग 30 से 40 किलोमीटर दूर आगे के एरिया को देख लेता है, 30 से 40 किलोमीटर के आगे के एरिया को अपने रेडियो वेव के थ्रू। और ये रेडियो कहाँ से निकलती है, इस रेडॉम सेक्शन से निकलती है। ये रेडॉम वेव को जाने देता है लेकिन बाकी चीजों को इससे आगे से ये जाने नहीं देगा। जहाज का जो रडार होता है अपने रेडॉम अपने आगे के एरिया से बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी के रेडियो बीम्स को छोड़ता है। ये सुपर हाई फ्रीक्वेंसी SHF कहते हैं इसे शॉर्टकट में, ये लगभग 5 गीगाहर्ट्ज का होता है, बहुत ज्यादा इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। और ये रिफ्लेक्शन यानी टकरा के वापस आना, जिसे इको या पराध्वनि के सिद्धांत पे कहते हैं, ये वेव जाती है और टकरा के वापस आती है, उसी को हम इको या आपका रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये वाटर ड्रॉपलेट बादलों में जो पानी के बूंद होते हैं ये उसी से टकरा के वापस आते हैं। ये कभी भी बादलों से टकरा के वापस नहीं आएगी। तो जो अगर बादल में पानी है इसका मतलब है कि वो बादल हैवी होगा और वही झटका उत्पन्न करेगा। ज्यादा पानी है तो ज्यादा किरणें टकरा के आएंगी, कम पानी है तो कम किरणें टकरा के आएंगी। इन वेव को पायलट कंट्रोल कर सकता है, वो नीचे ऊपर करके रेडॉम से एरिया से ये स्कैन कर लेता है कि किधर का एरिया है सेफ है उड़ने के लिए और किधर का एरिया सेफ नहीं है उड़ने के लिए। और इस आधार पर रडार में का जो रिफ्लेक्शन होता है वो स्क्रीन पर दिखाया जाता है। दोनों पायलट के लिए नेविगेशन डिस्प्ले होता है, पायलट और फर्स्ट ऑफिसर के लिए नेविगेशन डिस्प्ले पे ही रास्ता तय होता है कि इन्हें कितने डिग्री के एंगल पे जाना है, जिसे हम लोग टेक्निकल भाषा में हेडिंग कहते हैं, किस हेडिंग पे जाना है। जैसे हम लोग ना रास्ता देखते हैं ना कि दाहिने से बाएं मुड़ जाना, तो ये जहाज के ऊपर दाहिने बाएं नहीं होता, वे पॉइंट होता है कि यहाँ से टच जाना है फिर यहाँ से ऐसे घूमना है, ये रास्ता पहले से डिसाइड होता है वे पॉइंट पे। तो पायलट हमेशा इसी डिस्प्ले को देखता है मेनली रास्ते को पता करने के लिए नेविगेशन डिस्प्ले पर, और आगे का मौसम कैसा है वो इसी नेविगेशन डिस्प्ले पे शो होता है। अगर ये नेविगेशन डिस्प्ले काले रंग का है तो मतलब समझिए कि सामने कोई बादल वगैरह नहीं है, टेंशन फ्री जहाज उड़ेगा। और ऐसे टाइम पे जहाज इतना स्मूथ उड़ता है कि लगता ही नहीं है कि उड़ रहा है, कभी कभी तो डाउट होता है रुक गया क्या ससुराल, एकदम स्मूथ पानी रख दिए गए तो छलकेगा नहीं। लेकिन जैसे बादल आ जाता है तो बादल की स्थिति में, अब देखिए ये है आपका नेविगेशन डिस्प्ले, ये भाई साहब को जाना है यहाँ पर और इसके रास्ते में आ गए हैं बादल, काला वाला एरिया में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वहां से कोई रिफ्लेक्शन लौट के नहीं आया इसलिए काला दिख रहा है। लेकिन अब रास्ते में बादल है तो कम बादल ज्यादा घने बादल जिसमें पानी ज्यादा हो एकदम काला रंग का होगा, तो ऐसे बादलों से बचना जरूरी होता है। इसके लिए रडार की डिस्प्ले पे 4 कलर का शो किया जाता है,
ग्रीन कलर ऐसे बादलों को बताता है जिससे कि बचना चाहिए, लेकिन ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, हल्का 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 झंझनाहट होगी, पैसेंजर्स को भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, जो पहली बार चढ़ेगा वो कहेगा भाई सभी क्या करें, उतार दे रहे भाई अगली बार ना चढ़ेंगे। लेकिन येलो कलर वाला जो बादल होता है, पीले रंग वाला, ये खतरनाक होता है, ये हिला देता है जहाज को अच्छा खासा। लाल रंग वाला बादल को तो पायलट को कहा जाता है कि आपको अवॉइड ही करना है लाल रंग के बादल में, क्योंकि यहाँ पे जाने का मतलब है कि फंस जाएंगे लाल वाले बादल में। और मेजेंटा कलर जो होता है, यहाँ देखिए ये रहा मेजेंटा कलर, ये हल्का सा, ये मेजेंटा कलर, मेजेंटा कलर का बादल से पायलट को सख्त निर्देश होता है कि आपको मेजेंटा कलर में नहीं जाना है अगर आप यमराज का दर्शन नहीं देखना चाहते हैं, तो वरना जाइएगा तो सीवियर टर्बुलेंस कर देगा, उसे बच के रखना जरूरी होता है। तो ये चार कलर होते हैं, सबसे बेस्ट तो ब्लैक कलर है भैया, कोई बादल ही ग्रीन कलर है छोटा मोटा है, येलो कलर में थोड़ा ज्यादा है, रेड कलर हिलाएगा बढ़िया से पैसेंजर डर जाएंगे, और मेजेंटा कलर में कोई ठीक नहीं, उलाट पलाट देगा जहाज को, स्ट्रक्चर फेल्योर का भी डर होता है, डायने उन्हें टूट जाएगा, बहुत ज्यादा सीवियर वो हो जाएगा, टर्बुलेंस हो जाएगा। जैसे इस जहाज को देखिए, इस जहाज को जाना है यहाँ से सीधे, अब इसको सीधे जाना है यहाँ पे, सामने देखिएगा यहाँ पे रेड कलर का एरिया आ गया, अब ये क्या करेगा, रेड कलर वाले एरिया से यहाँ साइड हो जाएगा और फिर घूम के अपने रास्ते पे चला जाएगा यहाँ पे। तो देखता है कहां से इसे ज्यादा बचाया जा सकता है। हालांकि ये तो सामने का एरिया दिख रहा है, अगर आप इसे देखेंगे, जैसे इसे सपोज कीजिए इसको यहां से यहां जाना है, तो सामने में तो बाप रे बाप मेजेंटा कलर है, जाने ले लेगा यहाँ पे। अब पायलट बकलोल थोड़ी है जो इधर से घुस के जाएगा, वो कहेगा भैया इधर मेजेंटा, हम इधर से निकल जाते हैं, इससे हम चले जाते हैं यहाँ पे, तो ऐसे घुमा के वो चला जाता है। हालांकि पायलट को थ्री डायमेंशनल भी दिखता है, जैसे ये बादल है ना, तो ये ऊंचाई से भी दिखेगा। देखिए पायलट का ये जहाज है, मेजेंटा कलर ज्यादा ऊपर नहीं है, नीचे भर ही है, तो यहाँ पे पायलट दो डिसीजन ले सकता है, या तो यहाँ से घुमा के चला जाएगा, या तो वो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया देखेगा कि जहाज इसका यहाँ पर है और मेजेंटा कलर वाला बादल ऊंचाई पे है कि नीचाई पे है। अगर यहाँ देख रहे हैं तो आपको दिख रहा है कि मेजेंटा कलर और येलो ग्रीन रेड ये नीचे है, तो यहाँ से पायलट क्या करेगा ना, सीधे ले आके जहाज उतार कर इसे लेके चला जाएगा। तो कोई जरूरी नहीं है कि बार बार मुड़ाना ही पड़े, ऐसा भी हो जाता है कि इसके सीधे लेके जाता है, हाइट बढ़ा लेता है। हाइट को क्या करेगा, बढ़ा लेगा, तो कुर्सी की पेटी का बांधने का साइन आ जाएगा, और उधर एयर होस्टेस अनाउंस करेगी कि मौसम खराब होने के कारण कप्तान ने कुर्सी की पेटी बांधने का संकेत ऑन कर दिया है, ये वो, तो लोग कहते बांध ले रहे भैया दिक्कत हो रहा है। तो जब भी मौसम गड़बड़ाता है, आगे बादल दिखता है, तभी अनाउंसमेंट किया जाता है। तो आप इतना तो समझ में आ गया कि या सामने से ले जा सकते हैं या ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए, ये जहाज है, इसका ये रास्ता दिखा रहा है कि ऐसे जाना है सपोज, अब इसके रास्ते में एक रेड कलर वाला है, तो दो रास्ते हैं इनके पास, अगर इधर जाना है तो यहाँ से ये ऐसे घूम सकते हैं, नहीं तो इसका देखेंगे कि बादल अगर इधर से जाना ना, हम इधर से जाइबे करेंगे, तो हाइट देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे ये जहाज है, और यहाँ पर देखिएगा तो ऊंचाई पर लाल वाला है, पीला वाला है और ग्रीन वाला है, तो यहाँ पे पायलट क्या करेगा ना, नीचे से निकाल देगा फिर ऊपर। तो हो सकता है ये बादलों के कभी ऊपर से निकालता है, कभी नीचे से निकालता है, कभी दहिने से, कभी बाएं से, ये सारा चीज रडार के मदद से होता है, अन्यथा बहुत दिक्कत हो जाता। पहले साइंस उतना डेवलप नहीं था, तो बहुत ज्यादा विमान दुर्घटनाएं होती थी। जैसे ये रडार देखिए, इस ये जहाज है, इसको जाना है यहाँ से, सामने है मेजेंटा कलर, भाई साहब इधर से जाना महा बेवकूफी हो जाएगा, इधर से जाएंगे तो उतना ठीक नहीं है, ये रास्ता ठीक लग रहा है यहाँ पर, लेकिन आप अगर ध्यान दीजिएगा तो यहाँ कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स आपको दिखाई देंगे, ऐसे
तो ये दिखाता है कि ये वाला मौसम इधर भी शिफ्ट हो रहा है, इसलिए इस उम्मीद में मत रहिएगा कि यहाँ हमेशा खाली रहेगा, हो सकता है पहुंचते पहुंचते यहाँ का भी बादल खराब ही हो जाए, मौसम खराब हो जाए। इसलिए पायलट देखेगा भैया इससे तो अच्छा ही है ना, यहाँ से निकालो, नहीं तो हाइट देखो, या तो ऊपर से लेके चले जाओ या तो नीचे से लेके चले जाओ। तो इससे पायलट बचा के जहाज को ले जाता है ताकि सीवियर टर्बुलेंस ना हो। कभी कभी जहाजों में इतना भयानक टर्बुलेंस होता है, एक बार हम लोग खाना खा रहे थे, ऐसा तेज मारा खाना गिर गया यहाँ पर। अच्छा। जो लोग तो पहली बार चढ़ते हैं उनको हैवी सीवियर टर्बुलेंस हो गया इस टाइप का, खाना छिटा जाता है पूरा, गिर जाते हैं लोग। एयर होस्टेस का देखिए बेचारे का, इसको एयर होस्टेस लोग हर परिस्थिति में बेचारी मुस्कुराते रहती हैं सब, इनकी ट्रेनिंग ही ऐसी होती है, इन लोग को भी जीवन है, लेकिन इनका बेचारे देखिए इसका माथा होता फूट गया, क्योंकि ना ये लोग हमेशा खाना पीना कुछ देते रहते हैं, और बाय द वे टर्बुलेंस भयानक हुआ तो इनको चोट लगने की संभावना ज्यादा रहती है, क्योंकि ये लोग तो सर्व करती रहती है खाना वगैरह, बाकी लोग तो कुर्सी की पेटी बांधे रहते हैं। तो पायलट बचाने की कोशिश करता है, लेकिन कभी कभी अचानक मौसम हो जाता है, मौसम का क्या कहना है। जहाज का जो पायलट होता है वो इस रडार को चेंज कर सकता है, इसकी डिग्री को घुमा सकता है ऊपर नीचे दहिने बाएं। अगर बात करेंगे ये कितना ऊपर नीचे घूम सकता है, तो 40 डिग्री ऊपर और 40 डिग्री नीचे ये जहाज को देख सकता है, मतलब बादल है या नहीं है या फिर क्या चीज है, तो इस हिसाब से वो देख सकता है 40 डिग्री ऊपर और 40 डिग्री नीचे, ऊपर और नीचे जहाज जहाज को बहुत ज्यादा और बहुत नीचे अचानक नहीं आना होता है। लेकिन अगर दहिने और बाएं की बात करेंगे तो 180 डिग्री देख सकता है, दहिने बाएं की बात करेंगे तो 180 डिग्री, तो यानी पायलट का जो रडार होता है ये वाला, इसके पास अंदर कमांड होता है, वहां से उसको चेंज कर सकता है डिग्री इसका। तो यहां से अगर दहिने बाएं देखेंगे तो ये 180 डिग्री देख सकता है दहिने से बाएं तक, और ऊपर से नीचे 40 डिग्री ऊपर 40 डिग्री नीचे, यानी टोटल 80 डिग्री ऊपर नीचे देख सकता है और 180 डिग्री दहिने बाएं देख सकता है, पायलट के हाथ में इसका कमांड होता है। ये इतना सुपर हाई फ्रीक्वेंसी देता है लगभग 5 गीगाहर्ट्ज के पास, कि अगर जहाज जो रनवे पे खड़ी है और यहीं पे इसका रडार को ऑन कर दिया जाए, तो रनवे के आगे अगर कोई शहर है बिल्डिंग है तो इससे जब ये टकरा के आएगी तो इतना तेज इसकी फ्रीक्वेंसी रहती है कि इससे टकरा के आएगी और यहाँ पे तो इसका स्क्रीन खराब हो जाएगा, यहाँ पे रडार का जो सेंसिटिविटी होती है खराब हो जाती है। इसलिए उसे निर्देश होता है कि अगर सामने बिल्डिंग खड़ी हो तो आपको ऑन नहीं करना है, पहले उड़ जाना है थोड़ा सा, उसके बाद रडार को ऑन करना है। नेविगेशन रडार ठीक रहेगा, लेकिन ये वाला रडार जो होता है मौसम वाला उसको बंद रखना है। साथ में कभी कभी क्या होता है ना, रनवे पे होल्डिंग करने के लिए होता है, मतलब यहाँ पे लाइन अप कर देता है यहाँ पर, तो एक जहाज ये खड़ी है, एक ये जा रही है रनवे पे, इस टाइम पे भी रडार को ऑफ करने का आदेश दिया जाता है, वरना इतना तेज सिग्नल इस पे टकराएगा वापस जाएगा तो इसका रडार खराब हो सकता है। जहाज के अगले हिस्सा को हम रेडोम कहते हैं, इसे बचा के रखना बहुत जरूरी है। अब इसमें बचाने में एक दिक्कत आ जाती है, ससुरा बिजली उजली तड़कने लगता है, अगवे थुथुरे पे बिजलियां गिर जाएगा, तो बिजली गिरेगा ना तो इसमें जो वेव होता है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो हो सकता है कि पायलट को नेविगेशन में दिक्कत हो, इसलिए स्टैटिक डिस्चार्ज लगाया जाता है। विंग्स पे देखिएगा यहाँ पे तो इस तरह से रॉड निकले रहते हैं छोटे छोटे, ये रॉड। बिजली जो होता है वो करंट होता है, इलेक्ट्रॉन, तो जब कहीं भी आप घर्षण करते हैं, फ्रिक्शन करते हैं, तो उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जमा हो जाते हैं। उसी तरह जहाज इतनी तेजी से उड़ता है कि उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जमा हो जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी हमेशा कॉर्नर के एरिया में भागती है, तो इसलिए इसके कॉर्नर के एरिया में हाई मेटल के एरिया को ये लगा देते हैं ताकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आए और ये इलेक्ट्रॉन बाहर गिर जाए, ये इलेक्ट्रॉन उड़ते जहाज से बाहर गिर जाए, तो इसलिए इसे स्टैटिक डिस्चार्ज कहते हैं। स्टैटिक डिस्चार्ज बहुत जरूरी है, कभी कभी पायलट के अगवे ऐसे बिजली तड़कने लगता है, बेचारा दिक्कत हो जाता है स्टैटिक डिस्चार्ज से बचाने के लिए। तो रेडोम को स्टैटिक डिस्चार्ज, आगे तो इसे रॉड नहीं लगा सकते, तो ऐसे ऐसे ये उभार देते हैं, ये स्टैटिक डिस्चार्ज होता है कि अगर आगे कहीं पे भी बिजली तड़के ना तड़के, इतना स्पीड से जहाज उड़ता है कि आगे में जो इलेक्ट्रॉन जमा हो जाते हैं वो अगर इसके थुथुरे पे ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन जमा हो जाएंगे तो इसके रडार में दिक्कत हो जाएगा, तो रडार में दिक्कत हो जाएगा, तो रडार में क्लियर नहीं समझ में आएगा, इसलिए ये जो ऐसे उभरा वाला हिस्सा है ये इस इलेक्ट्रॉन को पीछे की ओर भेज देता है, और जैसे पीछे बॉडी पे जाता है तो स्टैटिक डिस्चार्ज इसको हवा में गिरा देता है। हवाई जहाज जब भी एयरपोर्ट पे उतरती है तो इतनी हाई स्पीड से उतरी रहती है कि उसके बॉडी पर इलेक्ट्रॉन्स भरे रहते हैं। करंट को ही इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इलेक्ट्रॉन से बना है इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी इज नथिंग मोर बट इज द कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जहाज इतनी तेजी से रगड़ खाते हुए जब रनवे पे आता है तो उसके बॉडी पर पूरे इलेक्ट्रॉन जमा होते हैं, इसलिए अगर हम छुएंगे तो हमें भी इलेक्ट्रिसिटी मार देगा, तो जरूरी है उस इलेक्ट्रॉन को हम जमीन में भेज दें, क्योंकि जमीन किसी भी इलेक्ट्रॉन को खींच लेती है। इसलिए जहाँ जहाज खड़ा होता है वहां पे एक पट्टी होती है, ग्राउंड पॉइंट बोला जाता है, स्टैटिक ग्राउंड पॉइंट, इसमें एक रॉड गया होता है अंदर यहाँ पे, तो जब भी जहाज आएगी तो उसमें एक
मेटल रहेगा और उससे वायर से इसको जोड़ दिया जाता है, इसके ऊपर हाँ। कवर लगाया रहता है ताकि इस तारवा को पकड़ने में कोई को करंट ना मारे, तो पहले इसमें ले जाता है, फंसाता है और फिर इससे ले जाके जोड़ देता है। इससे जोड़ना बहुत जरूरी होता है, नहीं जोड़ेंगे अगर तो जैसे जहाज खुलेगा और कोई निकलेगा कैसे हो, हवाई सफर कैसा रहा, जहाजिया को छुएगा मारेगा झनाक से उड़ी आ जाएंगे, अगले दिन अखबार के फ्रंट पेपर पे आएंगे। स्टेटिक डिस्चार्ज के कारण आत्मा को शांति। पायलट के जो जहाज में वेदर रडार होता है उसका रेंज तो ज्यादा नहीं होता है, 30 से 40 किलोमीटर होता है, और कभी कभी ऐसा होता है ना कि पायलट को आगे का दिखता है कि थोड़ा सा बादल है, तो पायलट को लगता है इस बादल से तो पार ही कर जाएंगे, उसके आगे भयानक बादल रहता है, तो उससे उसके लिए चाहिए बड़े साइज का वेदर रडार। बड़े साइज का वेदर रडार जो डॉपलर रडार होता है ये जहाज में फिट नहीं हो सकता है, इसलिए इसे क्या किया जाता है ग्राउंड पर एयरपोर्ट के आसपास में फिट कर दिया जाता है, तो ये बहुत बड़े एरिया को ये कवर कर लेता है। तो ATC भी बता देता है कि बबुआ इस रास्ते से मत आओ, तुमको तनी सा दिखा रहा है कि 30 किलोमीटर गड़बड़ है, हमको दिखा रहा है कि पूरा 100 किलोमीटर गड़बड़ है, उलट जाओगे बबुआ, चल जा लौट लैंड कर। तो ये बड़े साइज का वेदर रडार होता है। अब ये देखिए भारत के नक्शे पे चारों ओर से ये वेदर डॉपलर रडार लगाया गया है। अब यहाँ पर कुछ एरिया जहाँ अब यहाँ देखेंगे तो चक्रवात ज्यादा आते हैं उड़ीसा साइड में, तो इधर ना डॉपलर रडार का एरिया ज्यादा सघन बनाया गया है जगह जगह पर, कहीं कहीं भी खाली नहीं है। अब हम हर जगह थोड़ी बता सकते हैं वहाँ मिलिट्री रडार लगाया गया, तो देश की सुरक्षा का भी मामला ध्यान में रखा जाता है, ऐसा थोड़ी होता कुछ बोल दो यहाँ से, तो जहाँ खाली जगह है वहाँ देश के दुश्मन लोग नहीं खुश होइएगा कि खाली जगह है घुस जाएंगे इधर से, मिलिट्री रडार है वहाँ पे और वो तो पूछबो नहीं करेगा, उदिया देगा आपको यहाँ पे। तो ये रडार का बहुत जरूरी होता है यहाँ पे। रडार से भी एक और भी चीज जरूरी होता है, जैसे देखिए पहाड़ी एरिया में जैसे नेपाल में प्लेन दुर्घटना हुआ, वहां पर रडार में एक और समस्या क्या आती है, बादलों के पीछे पहाड़ छुपे होते हैं, जैसे ये बादल है इसके पीछे पहाड़ है, तो इसको तो रडार से दिखेगा कि अरे भैया बादल है चलो ना कोई दिक्कत नहीं, और कहीं जो ये जहजिया लेके सीधे घुसा तो बादल के बाद सीधे बेचारा पहाड़ में टकरा जाएगा। तो इसके लिए इसमें ट्रैफिक कोलिजन को बचाने के लिए टकास सिस्टम को लगाया जाता है। टकास सिस्टम दो जहाजों को आपस में टकराने से रोकता है, कोई जहाज के बगल से अगर कोई दूसरी जहाज आने वाली है या गुजरने वाली है तो उसको बता देता है वो कितने हाइट पर से गुजरेगी, कितने नीचे से गुजरेगी, आगे कोई पहाड़ वगैरह तो नहीं है, ये बताने के लिए एक अलग टाइप का रडार होता है जिसे टकास कहते हैं। टकास के बारे में हम आपको नेक्स्ट क्लास में समझा देंगे। आई होप आप वेदर रडार डॉपलर के सिग्नल ये सबको समझ गए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। यार क्या बात है खान सर की वीडियो को जाने समझ में नहीं आता खत्म कैसे हो गया, कितना मतलब 10-15 मिनट का वीडियो था, पता ही नहीं चला। मैं ये कहना चाहता हूँ ये जहाज का वीडियो तो बड़ा इन्फॉर्मेशन इसके लिए है, जो बंदा पढ़ा लिखा नहीं है ना उसको, लेकिन इनकी भाषा ही ऐसी है, मतलब ये समझ आ रही है, यकीन करो मुझे पूरे के पूरे जहाज का सिस्टम जो वेदर सिस्टम वो समझ आ गया, मुझे इसके बारे में आज तक नहीं पता ये थथरवा के नीचे क्या होता है। सही बात है, और साइडों पे बिजली जो बॉडी पे होती है वो कैसी आती है, या फिर साइडों पे क्या जो है ना कॉर्नर पे लगा होता है वो क्या बिजली को रोकने वाला, हाँ वो जो रॉड्स लगे होते हैं मेटल के, वही ना डिस्चार्ज कर। मैं तो सिर्फ जहाज को जहाज ही समझता, मुझे क्या पता था इसके बीच में क्या क्या होता है, लेकिन यार इतने अच्छे से बंदा कहीं पे कुछ सवाल पूछे बता सकता है बड़े आराम से, मतलब कोई जहाज के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन हमने ली है, कोई भी अगर पूछे कि जहाज ऐसा वैसा तो यकीन करो ये तो हम बता सकते हैं इजीली। आजकल खान साहब 2-3-4 वीडियो इकट्ठे अपलोड किए, मुझे लगता है कोई इसके बारे में होगा कोई एग्जाम वगैरह। नेपाल वाला वाक्य भी हुआ था ना, हाँ तो उस लेकिन यार बताएंगे ये रडार वाला सिस्टम बड़ा हैवी है, और बड़े अच्छे से समझाया जिन लोगों ने इसके एग्जाम देने हैं, जाहिर सी बात है पायलट वगैरह इधर उधर सारों को, तो उनके लिए इतनी इन्फॉर्मेशन है यार, और वो भी आसान भाषा में, बिल्कुल ही आसान भाषा में, जो कि हर बंदा समझ सकता है, मजदूर इसको समझ सकता है जो दिहाड़ी करता है कि जहाज कैसे मतलब आगे चलता है, कैसे वेदर सिस्टम है, जो भी सारा सिस्टम। तो यार इसका हैवी सीन है, मतलब 40 किलोमीटर 30-40 किलोमीटर आगे का बता देता है कि भाई आगे मौसम कैसा होने वाला है, और उसको कवर करता है, और उसको जब डिटेल एक तो है ना वो बताएगा, उसको बताएगा किस तरह से, वो भी एक अलग से पूरी इसकी एक डिटेल है, बिल्कुल ऐसे कि कलर्स में बताता है, ग्रीन वाला फिर येलो फिर उसके बाद रेड फिर उसके बाद मैजेंटा, और ऊपर नीचे हाइट भी कि रेड वाला एग्जैक्ट किस हाइट, मतलब 3D में कि सामने से भी दिख रहा है और साइड से भी दिख रहा है, मतलब कि एक तो सामने कितना है हमें दिख रहा है कि ऐसा चीज़ है, और उसकी फिर हाइट कितनी है दूसरे एंगल से भी, हॉरिजेंटली भी और वर्टिकली भी दोनों चीजें पता चल रही है, तो ये एक्सीडेंट बचाने में काफी चीज का होता है। अब हादसा तो वैसे काफी कम हो चुके हैं, लेकिन पहले जब ये नहीं था ना, जैसे खान सर ने भी बात की जब नहीं था, तब आप इमेजिन करें कितने हादसा होते होंगे इस वेदर की वजह से खाली। बिल्कुल, बाकी बात ये है कि भाई साहब ये जो सिस्टम है सारा, जो मैंने बीच में वीडियो को पूछा था कि भाई ये हर जहाज का 30-40 किलोमीटर ही रडार होता है, या फिर इससे आगे भी कोई जहाज कैपेसिटी बढ़ा सकता है,
हाँ जो अच्छे रडार हैं वो तो बढ़ सकते हैं, वो तो उसके ज़रा टेक्नोलॉजी है ना, टेक्नोलॉजी जितनी अच्छी करेंगे उतना ज़्यादा होगा। अब जो इन्होंने बताया शायद वो एवरेज होगी या क्या पता अच्छे जहाज़ों की हो, ये तो इस बारे में डिटेल हमें नहीं पता, जो एविएशन के बारे में जानते हैं जिनको पता है वो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में सवाल। लेकिन जो डिटेल पता चली वो हैवी थी, वो जो एंड पे उन्होंने बताया कि ज़मीन पे जहाज़ उतरता है जो भी हाथ लगेगा करंट से जाए जब तक उसको डिस्चार्ज ना करें, मतलब वो अर्थ वाली तार ना लगाए नीचे उतरते हुए। तो जाहिर सी बात है कि कोई भी बंदा अगर ऐसे है, वो उन्होंने बताया ना बिजली भी नहीं सकता, आसान लफ्जों में उन्होंने कितना एक्सप्लेन किया कि बिजली के इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन जमा हो जाते हैं उसकी मूवमेंट की वजह से, हाँ लोहे के बॉडी में, हाँ उसके ऊपर, तो उसको डिस्चार्ज भी तो करना है ना, वो इलेक्ट्रॉन ही तो बिजली है, जहाँ इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होंगे वहाँ करंट लगेगा। एक तो ये वेदर रडार वाली इन्होंने बात बताई, दूसरी था टेकास वाली जो बताता है दूसरे जहाज का, और वेदर के अलावा अगर आगे कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, पहाड़ आ रहा है, दूसरा जहाज आ रहा है, कोई भी चीज़ है, तो अच्छी इन्फॉर्मेशन थी, देख के बड़ा अच्छा लगा आपके साथ। तो उम्मीद है ये अगला वीडियो इसका आएगा, अगर टिकास का आ गया है टिकास वाला, तो अगर आप टिकास के वीडियो देखना चाहते हैं जो आगे रोड डाल रहे हैं हमारे साथ देखिएगा। तो ये तो यार इन्फॉर्मेशन मैं ये कहता हूँ कि अगर मजदूर भी पढ़ना चाहे ना खान सर उन्होंने कहा था, पहले कहा था वीडियो में इंटरव्यू में कि मजदूर भी पढ़ना चाहे ना, एजुकेशन हासिल करना चाहे इस लेवल की, यार जिस तरह खान सर वीडियो बनाते हैं कोई भी किस्म की, मुझे पता था इतना कि मैं इस पे स्टडी करता ना, मुझे इतना नहीं पता चलना था जितना इस वीडियो से चलेगा, 15 मिनट में पता चलेगा, 15 मिनट में पता ऐसा है ना, सही बात है। तो ये आसान भाषा में आसान लैंग्वेज ये होता है ना कि भाई माहौल के लिहाज से लोगों को जो चीज समझ आए वो आप पढ़ाओ, ये नहीं कि आप मतलब लोगों को जो समझ आए उस तरह से पढ़ाओ, लोगों को जो समझ आए वो तो बहुत से लोग मतलब यार समझ आने का तरीका भी होना चाहिए ना, आगे बैठा ही मेरी तरह का बंदा है जिसको पता ही नहीं है, तो उसको पढ़ाएं इंग्लिश में पता नहीं किस किस चीज में, तो वो बेचारा क्या करेगा, उसको इस तरह पढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है नॉलेज उसको हासिल होगी। जिस तरह वो क्या मूवी कहते ना 3 इडियट्स में वो आमिर खान, मैं मिसाल देना देता हूँ हर मूवी की, मतलब वो कहते हैं कि भाई साहब आप जो ना रट्टेबाजी करते हो, ये नहीं जो जब टीचर सवाल करता है ना कि सवाल देता है या आप ढूंढने में रेस में लग जाते हो, रेस में नहीं लगना, आपने उस चीज को समझना है कि पूछा क्या है इसने और उस पर रिसर्च करनी, ये नहीं है कि भाई फटाफट रेस में वो होता है ना पेपर आए हैं जब नजदीक तो हम पढ़ने लग जाते हैं फौरन, जो रट्टा मार लेते हैं जब पेपर आए लिखते हैं वो सारा, वो जब जाते हैं वो भूल जाता है, और अगर हम पास भी हो जाए तो जाहिर सी बात है रट्टे वाला आगे काम तो नहीं ना आएगा, जब हमने उस पर रिसर्च पूरी नॉलेज नहीं हासिल करनी, तो रट्टेबाजी नहीं भाई साहब, यहाँ पे पूरी प्रैक्टिकल करके देख ये सारी चीज। बिल्कुल बड़ा अच्छा लगा, आपने अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना है, और वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया खान सर के रेगुलर लेक्चर कर लें सब्सक्राइब, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।